IPL दुनिया में सबसे सफल क्रिकेट लीग है और इनका फैन बेस भी बहुत है और जो भी भारतीय क्रिकेट के फैन है वो IPL को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन IPL में भी होता है बहुत सारा इशू और बहुत सारा कंट्रोवर्सी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में जो IPL के इतिहास में नहीं होना चाहिए था। इसमें नंबर वन पर आते हैं ल्यू पॉमर्सबैच के अरेस्ट होने की कहानी। RCB की ओर से खेलने वाले ल्यू पॉमर्सबैच बैंगलोर के एक नाइट क्लब में गए हुए थे। उसी नाइट क्लब में एक US वुमेन भी थी जिन्होंने ल्यूक के खिलाफ कंप्लेंट की थी। उस महिला के मुताबिक ल्यूक पॉमर्सबैच उस महिला के हस्बैंड से भिड़ गए थे और जब वो महिला अपने हस्बैंड को बचाने के लिए गई तब ल्यूक पॉमर्सबैच ने उस महिला के साथ भी बदतमीजी की, जिस वजह से उन्होंने मोलेस्ट का केस दर्ज करा दिया था बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन। बाद में लेकिन ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलट गया और ल्यूक को बाकी के मैच खेलने का परमिशन मिल गया। दूसरे नंबर पर आती है शाहरुख खान के बैन की कहानी। मैच हो रहा था मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। KKR के मालिक हैं शाहरुख खान। मुंबई में होने वाला ये मैच कोलकाता ने जीत लिया था। मैच जीतने के बाद शाहरुख खान इतना खुश हो गए थे कि वो फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा। तब शाहरुख खान उनसे बहुत बहस करने लगे थे और उस गार्ड को बहुत सारी गालियां भी बक रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि तब शाहरुख खान नशे की हालत में धुत, इसलिए शाहरुख खान को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। वो उस स्टेडियम में नहीं जा सकते थे अगले 1 साल। इसके बाद शाहरुख खान ने एक स्टेडियम में सिगरेट पी थी जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको बता दें स्टेडियम में सिगरेट पीना मना है। तीसरी कंट्रोवर्सीज में आती है प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा किंग्स 11 पंजाब की को ओनर है। मोहाली स्टेडियम में चल रहा था पंजाब का मैच और वो मैच पंजाब जीत गई थी और मैच के बाद प्रीति जिंटा ने किंग्स 11 पंजाब का कुछ मर्चेंडाइज दर्शकों में बांटना चाहा, तो इसलिए वो उस मर्चेंडाइज को दर्शकों में नजदीक से फेंक रही थी। इसी बीच एक दर्शक ने लाल कलर का कपड़ा प्रीति जिंटा के ऊपर फेंक, जिसके बाद प्रीति जिंटा भड़क उठी और ये बात बहुत कंट्रोवर्सीज में आई थी। अब बात करते हैं सालों चलने वाली कंट्रोवर्सीज की, जो था स्लैपिंग केस। मैच हो रहा था पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच। इस मैच में श्रीसंत थे पंजाब की तरफ से और मुंबई इंडियंस की तरफ से हरभजन सिंह थे। मैच मुंबई हार गई थी लेकिन मैच के बाद श्रीसंत को रोते हुए पाया गया। बाद में श्रीसंत ने बताया कि हरभजन सिंह ने उसे थप्पड़ मारे और उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैच खत्म होने के बाद उन्होंने हरभजन सिंह से सिर्फ इतना कहा था हार डर। हरभजन इस पर बहुत गुस्सा हो गए और उनको एक थप्पड़ भी मार दिया, जो कि बहुत साल तक कंट्रोवर्सीज में रहा। इसके बाद आते हैं ललित मोदी। ललित मोदी IPL के चेयरमैन थे और IPL ललित मोदी का ही ब्रेन चाइल्ड है। 2010 में ललित मोदी को फाइनेंशियल गड़बड़ करने की वजह से सस्पेंड किया गया था। यहाँ तक कि ब्रॉडकास्ट डील पर भी ललित मोदी ने घोटाला किया था। उन्होंने फ्रेंचाइजी बिड में भी घोटाले किए थे। इसके लिए उन पर 5 चार्ज लगे थे। फिलहाल ललित मोदी इंडिया से बाहर है क्योंकि अगर वो इंडिया लौट कर आते हैं तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह की क्रिकेट अपडेट में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।